केडिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। केडिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि किन लेवल्स के नीचे या ऊपर बजट भाषण तक निफ्टी निकले तो यह मानेंगे कि बजट अच्छा या खराब है, तेजी का रुझान पकड़ेगा या मंदी का। दो वो इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर और नीचे के कौन से आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर आप बता पाए तो। बढ़िया सवाल है अमित जी, फाइनली तो भावी काम आएंगे शेयर बाजार वालों को जी। और देखिए, अगर पीसीआर कृपया ये चार्ट मेरे स्क्रीन से शेयर कर दे तो बाद में चार्ट पे दिखाना चाहूंगा अगर चार्ट शेयर हो रही है। देखिए, निफ्टी जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड शुरू कर चुकी है पिछले चार दिनों में, और बैंक निफ्टी पिछले 10 दिन से सॉफ्ट डाउन ट्रेंड में है। तो अगर इंट्राडे जो आज भयंकर वॉलेटिलिटी रहेगी उस पे मैं कोई भी व्यू ना लेके, मुझे अगर निफ्टी में बंद भाव आज भी, अगर बजट के बावजूद अगर निफ्टी आज भी 24,645 के नीचे नीचे बंद दे देगी तो हम मंदी के ही सौदे लेके जाएंगे। तेजी का सौदा, ओवरऑल नई बुलिशनेस का सौदा लेके रात को जाने के लिए मुझे 24,645 के ऊपर निफ्टी का बंद देखना है, जो अभी यहां से काफी दूर है। और बैंक निफ्टी के ऊपर उसी तरह से, जब तलक अगर आज का बंद भाव, आप ये समझ लो कि आज का बंद भाव जब तक 52,530 के ऊपर अगर बंद देगा तो ही मैं बैंक निफ्टी में तेजी लेके जाऊंगा, वरना मंदी का ही सौदा लेके जाएगा। बजट को सिर्फ इसलिए सुनने जा रहे हैं केडियानॉमिक्स और उनके हमारे जो क्लाइंट्स, हम बजट को सिर्फ इसलिए सुनने जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी ग्लोबल मंदी के साथ साथ इंडियन इंडिसेस ने भी सॉफ्ट करेक्शन स्टार्ट किया है, कहीं उस सौदे को काटने की जरूरत तो नहीं पड़ जाए। हम ऑलरेडी मंदी में है और हमारी मंदी कटेगी इन लेवल्स के ऊपर अगर आज का बंद भाव इनसे ऊपर आता है। ये कह रहे हैं कि 24,640 निफ्टी पर, राइट सर, और ये स्पॉट लेवल है फ्यूचर्स में। ओके, निफ्टी फ्यूचर्स अगर 24,640 के ऊपर बंद हो तो तेजी का सौदा लेकर जाएंगे, और 52,400 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स बंद हो तो, राइट, 52,530 के ऊपर बैंक निफ्टी, और निफ्टी का अगर बंद आज 24,645 के ऊपर हो जाता है 645, परफेक्ट। ओके, 52,530 का फ्यूचर्स आपके बैंक निफ्टी पर और 24,645 आपकी स्क्रीन पर अभी लिखकर आ जाएंगे, इनके अगर ऊपर बंद हो तो ही तेजी का। अच्छा, किन लेवल के नीचे बंद हो तो फिर और मंदी करके जाए? यही लेवल जिनके ऊपर हमें, ये तो हमारे स्टॉप लॉस के लेवल से, वरना मंदी का सौदा बरकरार। अच्छा, मंदी तो चली रही है। ओके, इंडिसेस पे ये है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी विरोधाभास हैं। जी जी, ओके, तो इंडिविजुअली स्टॉक पर अगर आपको कहीं कोई साफ साफ संकेत दिख रहे हो तेजी की तरफ तो बताएं कौन से स्टॉक्स चार्ट पर आपको दिख रहे हैं मजबूत? आईटीसी को छोड़कर एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स में जो हमने तेजी की उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वहां हम तेजी में और हम तेजी में रहेंगे। एफएमसीजी में तेजी करनी है, आईटीसी कोई विशेष प्रेम आपका आईटीसी को क्यों छोड़ रहे हैं सर, अच्छा ही तो है। नहीं सर, आईटीसी ने भी ऐलान कर दिया। देखिए अनिल जी, 400 रुपए के आसपास अपनी बात हुई थी, 480 जाएगा, पर सौदा बड़ा आड़ा तिरछा रहेगा। 480 के भाव आके इसने सेल ऑफ